हेलो दोस्तों, तो चलिए इस लेक्चर में आज हम देखते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार। रेमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत 1957 में की गई थी। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन डेल फेरो मैग्सेस की स्मृति और नेतृत्व की मिसाल कायम करता है ये पुरस्कार। यह हर साल एशिया में व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है। ठीक है, उसी निस्वार्थ सेवा और परिवर्तनकारी प्रभाव को प्रकट करते हैं जिसने स्वर्गीय प्रिय फिलिपिनो नेता के जीवन को प्रभावित किया। रेमन मैग्सेस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के एशियाई संस्करण के रूप में माना जाता है। पुरस्कार विजेताओं को एक प्रमाण पत्र के साथ रेमन मैग्सेस की प्रोफाइल इमेज और एक पदक प्रस्तुत किया जाता है। आपको बता दें, भारतीय पत्रकार रवीश कुमार को दबी आवाजों को आवाज देने के लिए, पत्रकारिता का दोहन करने के लिए 2019 रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, यहाँ 2019 के अन्य विजेता भी रहे चार, जिनमें शामिल है को स्वेन श्वे बिन म्यांमार के, वह एक मानव अधिकार रक्षक और म्यांमार नाउ समाचार एजेंसी के मुख्य संपादक रहे हैं। अंग खाना नीला पजी थाईलैंड के मानवाधिकारों और कार्यकर्ता और दक्षिणी थाईलैंड में एक मुख्य मानवाधिकार रक्षक हैं। ठीक, तीसरे हमारे रेमेंडो पोजांतिक के याब फिलीपींस के हैं, एक संगीतकार हैं जिन्होंने फिलीपींस विश्वविद्यालय के संगीत का संकाय में सेवा की है और पूरे देश में हजारों छात्रों के लिए निशुल्क कार्यशालाएं आयोजित की हैं। चौथे हैं किम जोंग की, दक्षिण कोरिया, युवाओं में हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर काम करने वाला एक कार्यकर्ता और दक्षिण कोरियाई कृषि आंदोलन के नेता हैं जिन्होंने बंजर भूमि की खेती का बीड़ा उठाया और अपने काम के माध्यम से यह प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि किसानों के रूप में जीवन पूरा और उत्पादक हो सकता है। यहाँ रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2018 भी देख लेते हैं हम लोग। रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2018 मिला था भरत बाटवानी को। भारत बाटवानी एक मनोरोग चिकित्सक हैं। वे मुंबई की गलियों में रहने वाले मानसिक रूप से बीमार लोगों का इलाज करते हैं। रेमन मैग्सेस अवार्ड के द्वारा भारत बाटवानी के सराहनीय कार्य को सम्मानित किया गया। दूसरे थे सोनम बांगचुक। सोनम बांगचुक लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक हैं। उन्होंने लद्दाख के निर्धन परिवारों के बच्चों को पढ़ाने के लिए 1988 में स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की थी। इसके द्वारा लद्दाख के युवाओं को काफ़ी नए अवसरों की प्राप्त हुई और उनके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। थ्री इडियट्स फिल्म में हंसुक बांगडू का चरित्र सोनम बांगचुक ने से प्रेरित है। ठीक है, आपको बता दें, अभी तक जो मैग्सेस पुरस्कार मिला है भारतीयों को, उनमें शामिल है साल 1958 में विनोबा भावे ऐसे भारतीय थे जिन्हें पहली बार इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। विनोबा भावे। अन्य चर्चित नामों में मदर टेरेसा को मिला है 1962 में, जयप्रकाश नारायण को 1965 में, सत्यजीत रे को 1967 में, चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में, अरुण सूरी को 1982 में, किरण बेदी को 1994 में, अरविंद केजरीवाल को 2006 में, पी साईनाथ को 2007 में, जैसी शख्सियत हैं जिन्हें रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो एक था रेमन मैग्सेस पुरस्कार।